परमेश्वर के दैनिक वचन। इंसान के लिए आवश्यक सत्य परमेश्वर के वचनों में निहित है, और सत्य ही इंसान के लिए अत्यंत लाभदायक और सहायक होता है। तुम लोगों के शरीर को इस टॉनिक और पोषण की आवश्यकता है। इससे इंसान को अपनी सामान्य मानवीयता को फिर से प्राप्त करने में सहायता मिलती है। ये ऐसा सत्य है जो इंसान के अंदर होना चाहिए। तुम लोग परमेश्वर के वचनों का जितना अधिक अभ्यास करोगे, उतनी ही तेजी से तुम लोगों का जीवन विकसित होगा और सत्य उतना ही अधिक स्पष्ट होता जाएगा। जैसे जैसे तुम लोगों का आध्यात्मिक कद बढ़ेगा, तुम आध्यात्मिक जगत की चीजों को उतनी ही स्पष्टता से देखोगे, और शैतान पर विजय पाने के लिए तुम्हारे अंदर उतनी ही ज्यादा शक्ति होगी। जब तुम लोग परमेश्वर के वचनों पर अमल करोगे, तो तुम लोग ऐसा बहुत सा सत्य समझ जाओगे जो तुम लोग समझते नहीं हो। अधिकतर लोग अमल में अपने अनुभव को गहरा करने के बजाय महज परमेश्वर के वचनों के पाठ को समझकर और सिद्धांतों से लैस होकर ध्यान केंद्रित करके ही संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या ये फरीसियों का तरीका नहीं है? तो उनके लिए ये कहावत परमेश्वर के वचन जीवन हैं वास्तविक कैसे हो सकती है? किसी इंसान का जीवन मात्र परमेश्वर के वचनों को पढ़कर विकसित नहीं हो सकता, बल्कि परमेश्वर के वचनों को अमल में लाने से ही होता है। अगर तुम्हारी सोच ये है कि जीवन और आध्यात्मिक कद पाने के लिए परमेश्वर के वचनों को समझना ही पर्याप्त है, तो तुम्हारी समझ विकृत है। परमेश्वर के वचनों की सच्ची समझ तब पैदा होती है जब तुम सत्य का अभ्यास करते हो, और तुम्हें ये समझ लेना चाहिए कि इसे हमेशा सत्य पर अमल करके ही समझा जा सकता है। आज परमेश्वर के वचनों को पढ़कर तुम केवल ये कह सकते हो कि तुम परमेश्वर के वचनों को जानते हो, लेकिन ये नहीं कह सकते कि तुम इन्हें समझते हो। कुछ लोगों का कहना है कि सत्य पर अमल करने का एकमात्र तरीका ये है कि पहले इसे समझा जाए, लेकिन ये बात आंशिक रूप से ही सही है। निश्चय ही ये पूरे तौर पर सही तो नहीं है। सत्य का ज्ञान प्राप्त करने से पहले तुमने उस सत्य का अनुभव नहीं किया है। किसी उपदेश में कोई बात सुनकर ये मान लेना कि तुम समझ गए हो, सच्ची समझ नहीं होती। इसे महज सत्य को शाब्दिक रूप में समझना कहते हैं। ये उसमें छिपे सच्चे अर्थ को समझने के समान नहीं है। सत्य का सतही ज्ञान होने का अर्थ ये नहीं है कि तुम वास्तव में इसे समझते हो या तुम्हें इसका ज्ञान है। सत्य का सच्चा अर्थ इसका अनुभव करके आता है। इसलिए जब तुम सत्य का अनुभव कर लेते हो, तो तुम इसे समझ सकते हो।
और तभी तुम इसके छिपे हुए हिस्सों को समझ सकते हो। संकेतार्थों को और सत्य के सार को समझने के लिए तुम्हारा अपने अनुभव को गहरा करना ही एकमात्र तरीका है। इसलिए तुम सत्य के साथ हर जगह जा सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर कोई सत्य नहीं है तो फिर धार्मिक लोगों की तो छोड़ो, तुम अपने परिवार जनों तक को आश्वस्त करने का भी प्रयास करने की मत सोचना। सत्य के बिना तुम हवा में तैरते हिम कणों की तरह हो, लेकिन सत्य के साथ तुम प्रसन्न और मुक्त रह सकते हो और कोई तुम पर आक्रमण नहीं कर सकता। कोई सिद्धांत कितना ही सशक्त क्यों ना हो, लेकिन वो सत्य को परास्त नहीं कर सकता। सत्य के साथ दुनिया को झुकाया जा सकता है और पर्वतों समुद्रों को हिलाया जा सकता है, जबकि सत्य के अभाव में कीड़े मकौड़े भी शहर की मजबूत दीवारों को मिट्टी में मिला सकते हैं। ये एक स्पष्ट तथ्य है।